दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिशक्ति माता वैष्णो देवी के बारे में और जानेंगे माता वैष्णो देवी की सर्वाधिक प्रचलित कथा। तो इस कथा को सुनने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य मंदिर दर्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली ऐसी धार्मिक वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा को भली भांति जानते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई जाती हैं। स्थान और काल के भेद की वजह से कथाओं में कुछ अंतर भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर भक्तों के मन में श्रद्धा हो तो सभी कथाएँ एक हो जाती है और बेहद उपयोगी बन जाती हैं। ऐसे ही दोस्तों, माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएँ हैं, पर जो कथा सबसे प्रचलित है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। इस कथा की शुरुआत होती है दोस्तों माता के परम भक्त पंडित श्रीधर से, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उसकी लाज बचाई थी। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया था और तभी से लेकर आज तक लोग इस पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटरा से कुछ ही दूरी उपस्थित हसाली गाँव में माँ वैष्णो देवी के ये परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्या को बुलाया और माँ वैष्णो देवी स्वयं कन्या के रूप में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन और भोजन के बाद सभी कन्याएं तो दोस्तों चले गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गाँव के भंडारे का संदेश पहुँचा दिया और निमंत्रण देकर लौटते समय दोस्तों गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य और बाबा भैरवनाथ जी और उनके शिष्यों को भी भोजन पर निमंत्रण दिया। इस भंडारे का निमंत्रण पाकर दोस्तों सभी गांववासी अचंभित हो गए कि वह कौन कन्या थी जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर पे अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक पवित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते समय जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा और जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और अपना हवा में रूप बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी वहीं थे और हनुमान जी का भैरव के साथ युद्ध भी हुआ था, जिसके कारण हनुमान जी को प्यास लगी और हनुमान जी को प्यास लगने पर हनुमान जी ने माता से आग्रह किया और माता ने उनकी प्यास बुझाने के लिए धनुष बाण से एक पहाड़ पर वार किया, जिसके कारण उस पहाड़ से एक जलधारा निकली, जिसके बाद माता ने उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसका उत्पन्न एक बाण के कारण हुआ था। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों माता ने गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति माँ जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ दोस्तों अपने घमंड में था और उसने साधु की बात को अनसुना कर दिया। फिर माता गुफा की दूसरी ओर से बाहर निकलाई। यह गुफा दोस्तों आज भी आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है और इस आदि कुमारी गुफा से पहले माता की चरण पादुकाएं भी हैं। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर जब कन्या ने देवी का रूप धारण किया तब माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी क्योंकि जो विधि का विधान था वह तो पूर्ण होना ही था। जब हनुमान जी युद्ध करते करते थकने लगे तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है और जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, माँ सरस्वती और माँ महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे
भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति की थी, इसलिए उन्होंने भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने आते हैं। इसी बीच दोस्तों माँ वैष्णो देवी ने 3 पिंड यानी 3 सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गई। और इसी बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने अपने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कई विधियों से इन पिंडों की पूजा की और उसको अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। और तभी से लेकर आज तक दोस्तों श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का ताका लगा रहता है और सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती है। बोलो जय माता दी।